दोस्तों, मेरा नाम अंश कुमार और आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से आपके कमेंट पढ़ रहा था जिसमें आप लिख रहे हैं कि भाई कौन सा इलेक्ट्रिक सबसे बढ़िया है, कौन सा इलेक्ट्रिक सबसे बढ़िया है। तो आज की वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि कौन सा इलेक्ट्रिक सबसे बढ़िया है। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल जरूर आएगा कि भाई मैंने तो कभी रिक्शा चलाया नहीं, तो मेरे को कैसे पता है कौन सा ई रिक्शा बढ़िया है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिन ई रिक्शा भाइयों से हम बात करते हैं, आपके पास जाते हैं, आप ई रिक्शा भाइयों से बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, और उनके ही हिसाब से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कौन सा ई रिक्शा सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि जिस चीज़ को अगर किसी बंदे ने यूज़ किया है तो उससे जानकारी लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली है, पूरी वीडियो देख के जरूर जाएं। चलिए वीडियो आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ उन ई रिक्शा के बारे में बात करूंगा जिन ई रिक्शों के बारे में मैंने ई रिक्शा भाइयों से इंटरव्यू लिया है और उनसे बात की, उनसे जानकारी ली है। और इस वीडियो में मैं जिन जिन ई रिक्शा कंपनी की बात करने वाला हूँ वो सिटी लाइफ है, महिंद्रा है, बजाज है, लोहिया है, सिल्वर है, उड़ान, सारथी के सिंगल बैटरी, चार बैटरी, आरजू, यात्री, मौर्या, तूफान, सहज सवारी, बाहुबली, ओवा और आखिरी में मिनी मेट्रो देवरथ। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके अलावा और भी रिक्शे हैं, बहुत सारे रिक्शे हैं, लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बारे में हमें ग्राउंड लेवल पर कोई जानकारी नहीं। हमें जानते तो हैं, हमने नए नए रिक्शे का रिव्यू भी किया है, लेकिन हमारे हिसाब से किसी भी रिक्शे का दुकान पे जाके उनके हमने पूछ लिया भाई कैसा है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर जब तक हम जो उसको चला रहा है उससे जाके नहीं पूछेंगे भाई कैसा है, तब तक आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो ही रिक्शा या कोई भी चीज़ कैसी है। दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी भी एक अच्छे रिक्शे को पहचानने के लिए सिर्फ तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला जो है वो है उसका प्राइस, कि प्राइस क्या है, पैसा कितने का है, सस्ता है, महंगा है। दूसरी चीज़ होती है उसकी सर्विस, कि भाई सर्विस आसानी से मिल जाएगी कि नहीं, सर्विस कराने में 10-20 किलोमीटर दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ई रिक्शा की बॉडी की मजबूती, क्योंकि मेरे हिसाब से कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर, बैटरी, ये सब चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं, ख़राब होती रहती हैं, चाहे कितने भी साल बाद खराब हो, लेकिन ख़राब होती रहती हैं, चेंज होते रहती हैं, और ख़राब हो तो चेंज कराया जा सकता। लेकिन अगर ई रिक्शा की बॉडी ख़राब है तो भैया उसको चेंज नहीं कराया जा सकता। और अगर एक बार गलत रिक्शा ले लिया, इस चीज़ को लेके बॉडी ख़राब ले ली, तो पछताने के अलावा आप पे कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। और इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ई रिक्शा को तीन भाग में बांटा है। जो पहला भाग है उसमें हमने उन ई रिक्शाओं को रखा है भैया जिन ई रिक्शाओं को आपको कभी लेना ही नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं लेना चाहिए, आपको पछताना ही पड़ेगा। और इस कैटेगरी में मैं जिन ई रिक्शाओं को रखना चाहूँगा वो है तूफान, सहज सवारी, ओबा, और आखिरी में आपका एक सिल्वर कंपनी करके ई रिक्शा है जो कि शायद अभी हो या ना हो पता नहीं। ये सारे वो ई रिक्शाएँ हैं जिनकी अगर सर्विस अच्छी मिल रही हो, पैसे थोड़े कम भी हो, तब भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर बॉडी अच्छी नहीं होगी तो सर्विस और बाकी सब चीज़ों का पैसे कम करा के क्या ही कर लोगे आप। अगले भाग की बात करें तो अगले भाग में वो ई रिक्शा आते हैं जो कभी अच्छे भी निकल जाते हैं, कभी ख़राब भी निकल जाते हैं। इस कैटेगरी में अगर मैं ई रिक्शाओं की बात करूँ तो आपके सिटी लाइफ, मौर्या, आरजू, लोहिया, दिल्ली लाइट, देवरथ, मिनी मेट्रो, बाद जैसे ई रिक्शे आ जाते हैं। ये वो ही रिक्शे हैं जिनकी अगर सर्विस अच्छी मिल रही है और पैसे थोड़े से कम मिल रहे हैं तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। और ये दूसरी कैटेगरी के रिक्शा आप तभी लें जब आपको तीसरी कैटेगरी के रिक्शा मिल ही ना रहे हों। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के रिक्शा की। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी के रिक्शा वो ही रिक्शा हैं जो आप कहीं से भी, कभी भी, कहीं भी लीजिए, ई रिक्शा अच्छे निकलने ही हैं। क्योंकि ये वो कंपनी है जो बहुत साल से ई रिक्शा बना रही है, बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने ई रिक्शा पे R&D कर रखी है और चेक कर रखा है कि भैया क्या क्या खराबी आती है, क्या क्या नुकसान है और क्या क्या चीज़ें सही करनी चाहिए। तो इनकी बॉडी हमें मेनली बहुत मजबूत मानी जाती है। हालांकि एका दुक्का इसमें भी निकल जाते हैं, लेकिन इसमें ख़राब निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और इस कैटेगरी की अगर बात करूँ तो आपके सारथी, यात्री, उड़ान, बाहुबली और महिंद्रा जैसे ई रिक्शा इसमें आ जाते हैं। दोस्तों, ये वो ई रिक्शा हैं जिसके अगर थोड़ा सा प्राइस महंगा भी मिले, सर्विस थोड़ी सी कम भी मिले, तो भी ये रिक्शा आपका फ़ायदा का सौदा होने वाला अगर आप लोगे तो। क्योंकि इनकी बॉडी जो मैंने देखा है, इनकी बॉडी मजबूत होती है, तो इन ई रिक्शाओं को आपको अगर अच्छे से चलाओगे, बढ़िया से चलाओगे, तो आपको सालों साल तक चलेंगे। मैंने कितने ड्राइवर भैया से बात की है,
जिन पे पहले भी सारथी का ही रिक्शा था, उन्होंने 5-6 साल बाद 7-8 साल चलाया है, और चलाने के बाद उन्होंने दोबारा ही रिक्शा खरीदा है, वो भी सारथी खरीदा है। दोस्तों अगर आप इतने साल से चलाने के बाद सेम ही कंपनी का रिक्शा ले रहे हो तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और सारथी, यात्री, बाहुबली, उड़ान जैसे ही रिक्शा वो ही रिक्शा हैं जो लोगों ने दोबारा खरीदे क्योंकि इनको इतने अच्छे लगे। महिंद्रा की यहाँ मैं बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि महिंद्रा अभी ताज़ा ताज़ा कंपनी है। महिंद्रा ने रिक्शा ताज़ा मतलब कुछ ही साल हुए, एक दो साल में तो वैसे भी कोई बड़े पुराने नॉर्मली रिक्शे भी ख़राब नहीं होते, तो महिंद्रा की बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, मजबूती महिंद्रा की भी अच्छी है। तो दोस्तों ये कुछ ही रिक्शा जिनके बारे में मैं जानकारी मैंने ली थी ई रिक्शा भाइयों से, और उनके जानकारी आपको मैंने शेयर की कि ये रिक्शा आपको लेने चाहिए। पहली कैटेगरी की रिक्शा कभी मत लीजिए। दूसरी कैटेगरी की रिक्शा अगर आपको चीज़ें सर्विस और पैसे कम मिल सर्विस अच्छी मिल रही है पैसे कम मिल रहे तो लेना बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरे कैटेगरी में आपको अगर मिल रहा है, थोड़ी सर्विस कम भी मिल रही है, पैसे ज़्यादा भी लगने पड़ रहे हैं, तो आपको लेना बिल्कुल फ़ायदे का सौदा होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि और ही रिक्शा की वीडियो बनाऊं, तो एक तो कमेंट सेक्शन में आप ये लिख दीजिए कि कौन से रिक्शा की वीडियो बनाऊं, दूसरा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो ये रिक्शा खरीदना चाह रहे हैं या रिक्शा की जगह पुराना हो गया वो खरीदना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराती और प्यार अपने हम पैसे। धन्यवाद।